60 के दशक तक भारतीय किसान लगभग 5 करोड़ टन अनाज उत्पादित करते थे। भारत की जनसंख्या लगभग 125 करोड़ हो चुकी है और अनाज की पैदावार भी अत्यधिक बढ़ी है। कंपनी के संस्थापक स्वर्गीय श्री आर के जैन, जिन्होंने कृषि स्नातक तक की पढ़ाई देश के श्रेष्ठ गोविंद वल्लभ पंत कृषि महाविद्यालय से की थी, 1980 में वे बेस्ट स्टूडेंट के अवार्ड से नवाजे गए थे। 1982 में ईगल सीड्स बायोटेक लिमिटेड की स्थापना की। श्री आर के जैन का एक ही उद्देश्य था, भारतीय किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराना। किसी भी कंपनी का विकास निर्भर होता है उसके संस्थापक के मिशन, विजन और वैल्यूज से। तेजी से बढ़ते हुए कारोबार को सही दिशा में चलाने के लिए सुसंगठित बैक ऑफिस और समर्पित टीम तैयार करना एक बड़ी चुनौती थी, और यह जिम्मेदारी निभाई उन्हीं की सुपुत्री त्रिशला जैन ने। किसी भी कंपनी की ताकत उसके एम्प्लॉयज होते हैं, जो एक लक्ष्य को पाने के लिए एक टीम की तरह काम करते हैं। ईगल सीड्स में सब एक सशक्त परिवार की तरह अपना 100% देते हैं, और वही कहीं न कहीं हमारी सीड्स की क्वालिटी में भी झलकता है। श्री आर के जैन का उद्देश्य था लेट्स ग्रो, विकास की ओर। यह विकास सिर्फ कंपनी का ही नहीं बल्कि पूरे भारत की खेती का है। फसलों का अधिक उत्पादन, यही लक्ष्य लेकर श्री आर के जैन चले थे, और उन्हीं के पदचिन्ह पर वही लक्ष्य को और आगे बढ़ाते हुए वर्तमान में उनके सुपुत्र श्री वैभव जैन, जिनके सानिध्य में ईगल सीड्स लगातार विकास की ओर अग्रसर है। हमारा यह लक्ष्य है कि हम फील्ड डेज, क्रॉप शोज एवं रिटेलर मीटिंग्स के द्वारा फार्मर आउटरीच को बढ़ा सकें। इससे यह संभव होगा कि हम अपने सभी रिसर्च प्रोडक्ट्स एवं अन्य इनोवेशंस को अपने सभी किसानों, चैनल पार्टनर्स तक पहुंचा सकेंगे तथा अपने मिशन लेट्स ग्रो को सार्थक कर सकेंगे। ईगल सीड्स ने कई उन्नत बीजों का निर्माण किया है। कृषि के क्षेत्र में ईगल सीड्स सर्वाधिक बीज उत्पादन करने वाली निजी कंपनी है। गेहूं, सोयाबीन, दालों के उन्नत बीजों का उत्पादन तो ईगल बीज की विशेषज्ञता ही थी, पर अब इसी ही कड़ी में सब्जियों की उत्तम क्वालिटी के बीज भी कंपनी उत्पादित कर रही है। ईगल सीड्स भारत की पहली निजी क्षेत्र की बीज उत्पादक कंपनी है, जिसने अधिक उत्पादन करने वाले सस्ते बीज बाजार में उपलब्ध कराए हैं, जिसने गेहूं और सोयाबीन के लिए HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन बैग की शुरुआत की थी। उसमें बीज की गुणवत्ता बरकरार रही। ईगल सीड्स द्वारा सोयाबीन, गेहूं, दलहन और सब्जियों के बीज पर शोध प्रक्रिया के माध्यम से कई उन्नत किस्म के बीजों का निर्माण किया जाता है। शोध के लिए ईगल सीड्स का स्वयं का शोध एवं अनुसंधान फार्म है। यहाँ भारतीय अनुसंधान क्षेत्र से सेवानिवृत्त प्रिंसिपल वैज्ञानिक डॉक्टर SR सिंह, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त सीनियर सोयाबीन वैज्ञानिक डॉक्टर AN श्रीवास्तव, कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त वैज्ञानिकों द्वारा मानसून व भौगोलिक स्थिति के अनुरूप अधिक उत्पादन देने वाले बीजों पर जनरेशन एडवांसमेंट प्रोग्राम के तहत काम किया जा रहा है। जनरेशन एडवांसमेंट की साइकिल के समय को कम करने के लिए पॉली हाउस का निर्माण भी किया गया है। ईगल सीड्स का उद्देश्य है कृषकों तक उन्नत किस्म का बीज पहुंचे, वे गुणवत्ता युक्त अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। ईगल सीड्स द्वारा बीजोत्पादन 20 से 30 आयोजकों द्वारा कृषि विशेषज्ञों की निगरानी में किया जाता है। उत्पादक कृषकों तक उन्नत किस्म के पैतृक बीज उपलब्ध कराते हैं। ईगल सीड्स के कृषि विशेषज्ञ समय समय पर किसानों को बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देते हैं। कंपनी गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञ समय समय पर इन फसलों का निरीक्षण करते हैं और किसानों की रेगुलर मीटिंग्स भी लेते हैं। कंपनी ने इंदौर के पास ही क्षिप्रा ग्राम में सीड्स प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया है। यहां अत्याधुनिक तकनीक के द्वारा उच्चतम क्वालिटी के साथ अधिक उत्पादन क्षमता का सीड्स तैयार किया जाता है।
यह प्रयोगशाला सभी आवश्यक उपकरणों तथा अत्याधुनिक तकनीकों से परिपूर्ण है। अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से प्रोसेसिंग करने से प्रीमियम क्वालिटी का बीज तैयार होता है। इसी बीज को हमने एक्सेलेंट नाम दिया है, जो ईगल सीड्स की खुद की ब्रांड है। गोदामों का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति से किया गया है। मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए भंडारित बीजों को रूफ वाटर डिस्पोजल सिस्टम, गोदाम में पर्याप्त वेंटिलेशन, नमी से बचाव के लिए जमीन पर प्लास्टिक शीट का फ्लोर इंसुलेशन, बीजों को फ्यूमिगेट किया जाता है जिससे बीज कीटों के प्रकोप से बचे रहें। धूल से मुक्त प्रोसेसिंग के लिए धूल नियंत्रण प्रणाली प्लांट में लगाई गई है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी मशीनों उपकरणों द्वारा बीजों की प्रोसेसिंग होने से अधिक उत्पादन प्राप्त होने से किसान लाभान्वित होता है, जो ईगल सीड्स का मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में डुंगरवाल परिवार द्वारा संचालित मैनाबाई चांदमल ट्रस्ट आलोट से करीब 2 किलोमीटर दूर खुले प्राकृतिक माहौल में बड़े भवन में श्री महावीर विद्यालय का संचालन कर रहा है, जहां 2000 से ज्यादा छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव के बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए ट्रस्ट ने कई बसों का भी इंतजाम किया हुआ है। स्वर्गीय कुंदन मलजी जैन ने अपने पिता के साथ साथ नीति व नियत से व्यापार किया एवं जो धनोपार्जन किया तो अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज को लौटाया। यही संस्कार उनके पुत्रों को भी मिले हैं। अपने जीवन काल में स्वर्गीय श्री राजेंद्र जैन ने मैनाबाई चांदमल ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसियत से श्री महावीर विद्यालय का प्रबंधन संभाला। ईगल सीड्स एवं बायोटेक लिमिटेड ट्रस्ट की निधि से ही संचालित कर रहे हैं। ईगल सीड्स प्रतिबद्ध है इस देश के अन्नदाताओं की उन्नति के लिए। अन्न होगा तभी आने वाला कल होगा। लेट्स ग्रो।